हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग आउटलायर डिटेक्शन और रिमूवल पढ़ रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग लास्ट टेक्निक देखेंगे, दैट इज हाउ टू यूज परसेंटाइल्स टू डिटेक्ट आउटलायर्स एंड रिमूव देम। ठीक है, और ये टेक्निक बहुत ही सिंपल है, मतलब इट जस्ट रिक्वायर्स यू टू नो अबाउट परसेंटाइल्स एंड देन यू हैव टू जस्ट डिसाइड अ थ्रेशोल्ड और अपना काम हो गया। ठीक है, सो लेट मी डिस्कस इट इन डिटेल। आई विल शेयर माई स्क्रीन। सो इन ऑर्डर टू लर्न दिस टेक्निक, पहले आपको पता होना चाहिए कि परसेंटाइल्स क्या होते हैं। ऑल तो मैंने पिछले वीडियो में एक बार डिस्कस किया था, मैं एक बार और डिस्कस करता हूँ। सो परसेंटाइल आई गेस आपको पता होगा, कैट वगैरह के एग्जाम में जो रिजल्ट्स आते हैं वो परसेंटाइल के टर्म्स में आते हैं, 99% परसेंटाइल, 97% परसेंटाइल। सिंपलर टर्म्स में परसेंटाइल का मतलब होता है कि लेट्स से आपका किसी रिजल्ट किसी पर्टिकुलर एग्जाम में 99% परसेंटाइल आया, इसका ये मतलब हुआ कि 99% परसेंट लोग आपसे पीछे हैं। ठीक है, अगर आपका 50% परसेंटाइल आया, इसका मतलब 50% परसेंट लोग आपसे पीछे हैं, 50% परसेंट लोग आपसे आगे हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अगर मैक्सिमम वैल्यू 95 है तो ये कितना परसेंटाइल हुआ, द आंसर इज 100% परसेंटाइल, क्योंकि अगर ये मैक्सिमम है तो बाकी सभी का स्कोर इससे कम है, तो 100% परसेंट लोग इससे पीछे हैं, तो ये स्कोर 100% परसेंटाइल है। ठीक है, सिमिलरली अगर मिनिमम स्कोर 10 है तो ये कितना परसेंटाइल हुआ, दिस इज 0 परसेंटाइल, क्योंकि कोई भी इससे पीछे नहीं है, तो 0% लोग इससे पीछे हैं। सिमिलरली 50% परसेंटाइल मतलब आधे लोग आपसे आगे हैं, आधे लोग आपसे पीछे हैं, और इसी को मीडियन बोला जाता है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है इस टेक्निक में, आपके पास एक डेटा होगा, कुछ भी डेटा हो सकता है, एज, हाइट, वेट, कुछ भी हो सकता है, और आपको क्या करना है, डिटेक्ट करना है कि इसके अंदर आउटलायर्स हैं कि नहीं। ठीक है, और आप क्या करते हो, आप सिंपली ये डिसाइड करते हो कि आप दोनों साइड से, आपके डिस्ट्रीब्यूशन के दोनों साइड से आप एक अमाउंट डिसाइड कर लेते हो। लेट्स से आपने डिसाइड किया 1% परसेंटाइल, तो इसका मतलब आप बोल रहे हो कि 99% परसेंटाइल के ऊपर जो भी है वो आउटलायर है, और 1% परसेंटाइल के नीचे जो भी है, मैंने परसेंट का सिंबल बना दिया, यहाँ पे परसेंटाइल होगा, 1% परसेंटाइल के नीचे जो भी है वो भी आउटलायर है। अब आप इस वैल्यू को चेंज भी कर सकते हो, आप 5 का थ्रेशोल्ड ले सकते हो कि 95% परसेंटाइल के ऊपर जो भी है वो आउटलायर है, और 5% परसेंटाइल के नीचे जो भी है वो आउटलायर है। तो ये आपके ऊपर है कि आप ये वैल्यू कितना लेना चाहते हो। एक जनरल जो वैल्यू लोग लेते हैं वो है 1 का, तो मतलब 99 और 1, 99 के ऊपर सब आउटलायर, 1 के नीचे सब आउटलायर। ठीक है, आप 99.5 और 0.5 भी ले सकते हो। ठीक है, तो बस इतना ही करना है गाइस। अब इस टेक्निक से आप दो चीजें कर सकते हो, वंस यू हैव डिटेक्टेड द आउटलायर्स, यू कैन ईदर रिमूव देम और यू कैन कैप देम। कैप मतलब आप उसको एक वैल्यू दे सकते हो। ठीक है, तो रिमूविंग में हम सिंपली क्या करेंगे, जो भी वैल्यूज उन थ्रेशोल्ड से ज्यादा या कम है हम उनको हटा देंगे, और कैपिंग के केस में हम क्या करेंगे, उससे जस्ट नीचे वाला जो वैल्यू है उससे हम उसको फिल कर देंगे। जैसे अगर 95% परसेंटाइल आपने थ्रेशोल्ड रखा, 95% परसेंटाइल आपने थ्रेशोल्ड रखा, और 95% परसेंटाइल वैल्यू इज एक्चुअली मान लो 70, और 70 के जस्ट नीचे वाला 68 है, तो आप सारे 70 वाले वैल्यू को या 70 से ज्यादा वाले वैल्यूज को 68 से रिप्लेस कर दोगे, और लोअर रेंज में भी एग्जैक्टली यही काम करोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कैपिंग। हाँ, एक और चीज, हाँ, कैपिंग के बारे में बात कर रहे हैं। कैपिंग को यहाँ पर इस टेक्निक में विंसराइजेशन बोला जाता है। ये एक बहुत पुराना कोई कंप्यूटर साइंटिस्ट थे या स्टैटिस्टिशियन थे, आई डोंट रिमेम्बर, इन्होंने ये टेक्निक दिया था। तो इनके नाम पे जब भी आप परसेंटाइल वाले मेथड को यूज करके कैपिंग करते हो तो उसको विंसराइजेशन बोला जाता है। ठीक है, जब आप रिमूवल करते हो तब ये विंसराइजेशन नहीं है, बट जब आप कैपिंग करते हो देन इट्स कॉल्ड विंसराइजेशन। ठीक है, सो नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल क्विकली शो यू अ डेटा सेट जहां पर हम ये टेक्निक्स अप्लाई करेंगे। ओके, सो आई हैव अ सिंपल डेटा सेट जो मैंने थोड़ी देर पहले कैगल से डाउनलोड किया। लोगों के वेट्स और हाइट्स के ऊपर ये डेटा सेट है, और 3 कॉलम्स हैं, जेंडर, हाइट, वेट। ठीक है,
ऑब्वियसली हम जेंडर के ऊपर कुछ नहीं करेंगे, हम हाइट और वेट के ऊपर ही काम करेंगे. एंड मैंने थोड़ा सा और इसके पहले इसके ऊपर काम किया, तो मैं सिर्फ हाइट के ऊपर काम कर रहा हूँ, वेट में कुछ खास आउटलायर्स है नहीं, ठीक है. बट आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, ये डेटा सेट मैं आपको दे दूंगा. लेट्स फोकस ऑन द हाइट कॉलम, ठीक है. सो लेट मी शो यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि इस डेटा सेट में कितने रोज एंड कॉलम्स हैं. कॉलम्स तो पता चल रहा था, रोज 10,000 है, तो 10,000 लोगों का मेरे पास डेटा है. और अगर मैं आपको दिखाऊं डीएफ आपका हाइट और उसके ऊपर मैं डिस्क्राइब लगाऊं, तो यू कैन सी कि ये है हमारा हाइट का डिटेल्स. मीन हाइट इज 66, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3, मिनिमम वैल्यू इज 54, मैक्सिमम वैल्यू इज 78, ठीक है. और 75 परसेंटाइल वैल्यू इज 69 एंड मीडियन वैल्यू इज 66, ठीक है. एक बार इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं. सो आई विल इंपोर्ट सीबॉन एज SNS एंड आई वुड राइट SNS डॉट डिस्ट प्लॉट और यहां पर आई वुड पास द हाइट कॉलम. एंड यू कैन सी कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऑलमोस्ट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. और मुझे एक बार बॉक्स प्लॉट भी देखना है. सो आई वुड राइट SNS डॉट बॉक्स प्लॉट डीएफ का हाइट. एंड यू कैन सी कि अकॉर्डिंग टू आर बॉक्स प्लॉट ऑल्सो कुछ डेटा में आउटलायर्स हैं दोनों साइड, ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, हम एक वैल्यू डिसाइड करेंगे और उस वैल्यू के ऊपर और नीचे जब भी कोई डेटा सेट होगा, डेटा पॉइंट होगा, हम उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है. तो कैसे डिसाइड करेंगे हम अपर थ्रेशोल्ड एंड लोअर थ्रेशोल्ड. सो मैं एक वेरिएबल बना रहा हूं अपर लिमिट. दिस विल बी इक्वल टू डीएफ हाइट डॉट क्वांटाइल, ठीक है. और यहां पे क्वांटाइल मैं डिसाइड कर रहा हूं क्योंकि मैंने पहले से इसके ऊपर काम कर रखा है 0.99. मतलब मैं बोल रहा हूं कि 99 परसेंटाइल के ऊपर जो भी मिलेगा वो सब आउटलायर है, ठीक है. सो अगर मैं अपर लिमिट आपको दिखाऊं तो कितना आ रहा है, इट्स कमिंग आउट टू बी 74.78, ठीक है. सिमिलरली आई विल आल्सो कैलकुलेट द लोअर लिमिट एंड द लोअर लिमिट वुड बी 0.01, मतलब 1 परसेंटाइल के नीचे. और इसका नाम ऑब्वियसली हम रख देंगे लोअर. गाइज इस मेथड में यू हैव टू मेक श्योर कि आपका आप अपर में जितना छोड़ रहे हो नीचे में भी आपको उतना ही छोड़ना पड़ता है. मतलब ऊपर आप 1 परसेंटाइल छोड़ रहे हो, नीचे भी आप 1 ही परसेंटाइल छोड़ोगे, ठीक है. जैसा हमने यहाँ पे किया, अगर मैंने ऊपर 5 परसेंटाइल छोड़ा होता, मतलब 95 परसेंटाइल पकड़ के चल रहा होता, तो लोअर में मैं 5 परसेंटाइल लेके चलता, ठीक है. हमेशा वो सिमेट्रिक होता है. सो यू कैन सी द लोएस्ट इज 58. तो मुझे अब जो डेटा चाहिए वो इसी रेंज में चाहिए, इसके ऊपर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है. सो अगर मैं ये कोड लिखूं डीएफ का हाइट इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस वैल्यू, इनफैक्ट पूरा वैल्यू लेने का जरूरत नहीं है, फालतू में बहुत स्पेस जाएगा. और इस पूरे कोड को मैं दोबारा लिख देता हूं और दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 58.13 और इसको भी हम लोग ब्रैकेट में डाल देते हैं और लेट्स पुट अ डीएफ ओवर हियर. हम बेसिकली फिल्टरिंग कर रहे हैं एंड यू कैन सी कुछ 201 रोज हैं आउट ऑफ 10,000 जो हमारा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे. 75, 76, 56, हाँ ठीक है, सही है. 56 इज नॉट अलाउड बिकॉज हमारा लोएस्ट इज 58, ठीक है. तो अब मुझे बस मेरा नया डेटा फ्रेम चाहिए क्योंकि ये तो वो डेटा फ्रेम है जो नहीं होना चाहिए. तो मैं बस इसको रिवर्स कर दूंगा, इस साइन को रिवर्स कर दूंगा कि मुझे इसके नीचे की वैल्यूज चाहिए और इसके ऊपर की वैल्यूज चाहिए फ्रॉम माय गिवन डेटा फ्रेम. तो अब मेरे पास जो शेप आएगा दैट इज ओके. एक और चीज आप एंड रखोगे क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, 74 से नीचे भी चाहिए और 58 से ऊपर भी चाहिए.
तो अब मेरे पास 9,800 टाइप्स या 9,799 रोज है, ठीक है। तो ये हमने अभी कर दिया ट्रिमिंग। सो अगर मैं इसको लिख दूं, न्यू df इज इक्वल टू दिस, तो ये रहा मेरा नया डेटा फ्रेम जहां पे मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल डिटेक्ट किया मेरे परसेंटाइल्स को, मेरे आउटलायर्स को, और फिर मैंने उनको रिमूव कर दिया, ठीक है। दिस इज ट्रिमिंग। अगर हम देखना चाहें कि ये करने के बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो व्हाट वी कैन डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन राइट न्यू df डॉट हाइट एंड वी कैन डिस्क्राइब। सो यू कैन सी 66 है मीन अभी भी, ऊपर क्या था, 66 ही था। इनफैक्ट मैं एक काम करता हूँ, इसको नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ, df हाइट डॉट डिस्क्राइब। सो या थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करता हूँ। सो मीन उतना ही है ऑलमोस्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा सा चेंज हुआ है, मिनिमम वैल्यू थोड़ी बढ़ गई है, 25 परसेंटाइल वैल्यू ऑलमोस्ट वही है, 50 परसेंटाइल वैल्यू बिल्कुल वही है, 75 परसेंटाइल वैल्यू भी वही है, बस मैक्सिमम वैल्यू रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, जो हमें चाहिए था मिल गया। और हम लोग करते हैं न्यू df का हाइट और SNS डॉट डिस्क प्लॉट, एंड यू कैन सी कुछ खास वेरिएशन नहीं है, थोड़ा सा थिक हुआ है, विच इज फाइन, ये ज्यादा बेटर है कि थिक हुआ है थोड़ा सा आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है। और अगर हम बात करें बॉक्स प्लॉट का, लेट्स सी बॉक्स प्लॉट के हिसाब से क्या हुआ। न्यू df का हाइट SNS डॉट आपका यहां पे आ जाएगा बॉक्स प्लॉट, बॉक्स प्लॉट, एंड यू कैन सी कोई भी आउटलायर्स नहीं बचे, तो सही रास्ते जा रहे हैं हम लोग, रिजल्ट ठीक आ रहा है, ठीक है। आप परसेंटाइल वैल्यूज को चेंज करके देख सकते हो, जितने हायर परसेंटाइल वैल्यू में आपको बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है उतना हायर वैल्यू आपको लेके चलना है, क्योंकि जितना आप हायर वैल्यू ले रहे हो उतना कम डेटा आप रिमूव कर रहे हो। अगर आप 99.5 लोगे तो और कम डेटा रिमूव होगा, 99.5 और 0.5, ठीक है। तो ये आप ट्राई करके देखना किसमें आपको बेस्ट रिजल्ट मिल रहा है। बट या दैट इज हाउ यू डू ट्रिमिंग यूजिंग परसेंटाइल मेथड। नाउ आई विल शो यू हाउ टू डू कैपिंग, और कैपिंग वाले मेथड को हम विंसराइजेशन भी बोलते हैं। तो आई विल क्विकली शो यू विंसराइजेशन, ठीक है। सो विंसराइजेशन में कुछ नहीं करना आपको, आपको बेसिकली लिखना है np डॉट वेयर आपका कंडीशन क्या है। आपका कंडीशन है df का हाइट इज ग्रेटर देन इक्वल टू अपर लिमिट। जहां भी आपका हाइट का वैल्यू अपर लिमिट से ज्यादा है उसको आप अपर लिमिट से रिमूव कर रहे हो, रिप्लेस कर रहे हो, और अगर अपर लिमिट से कम है तो आप चेक कर रहे हो कि हाइट इज ओके, हाइट इज लेस देन इक्वल टू लोअर लिमिट। अगर लोअर लिमिट से कम है तो मैं उसको लोअर लिमिट से रिप्लेस कर रहा हूं, और अगर ये दोनों क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा तो आई एम जस्ट कीपिंग माई हाइट एज इट इज। और कोड फट गया, कोड इसलिए फटा क्योंकि हमने np डॉट वेयर दिया ही नहीं। इस जगह पे भी आपको np डॉट वेयर देना है लाइक दिस। सो आई कैन सी कि आई एम गेटिंग दीज वैल्यूज, काफी सारी वैल्यूज आई बेसिकली, और हमें क्या करना है उसको df हाइट में स्टोर कर देना है, ठीक है। और न्यू df, एक्चुअली अब df में ही चेंजेस हो गए, सो df डॉट शेप अभी भी उतना ही होगा 10,000, बट अगर आप df के हाइट के ऊपर डिस्क्राइब लगाओगे
डिस्क्राइब लगाओगे तो यू वुड फाइंड कि मैक्सिमम वैल्यू 74 हो गया, मिनिमम वैल्यू 58 हो गया, कैपिंग कर दिया आपने। और अब एक बार ये करते हैं कि SNS डॉट डिस्क प्लॉट DF का हाइट। सो अगेन कुछ खास चेंजेस नहीं है यहाँ पे, ये थोड़ा सा उठ गया है इन दोनों साइड से, थोड़ा सा उठ गया है। उसका रीजन ये कि आपने कैपिंग परफॉर्म किया। लेट्स सी द बॉक्स प्लॉट एंड विल पुट DF का हाइट एंड यू कैन सी अगेन मेरे पास कोई आउटलायर्स नहीं है। ठीक है, तो या दैट्स इट, दिस इज द टेक्निक। कुछ जगहों पे आपको दिखाई देगा कि रिंसराइजेशन के लिए लोग एक अलग लाइब्रेरी यूज करते हैं, साईपाई। उसके अंदर एक डायरेक्ट फंक्शन होता है जिससे आप रिंसराइजेशन कर सकते हो। आई जनरली डोंट प्रेफर दैट बिकॉज कोड बहुत सिंपल है, तो अलग से एक लाइब्रेरी लाने का लोड मैं नहीं उठाता, मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ। और एक दो जगह पे आप ये भी देखोगे कि जब रिंसराइजेशन होता है तो कुछ लोग अपर लिमिट से रिप्लेस करने के बदले अपर लिमिट प्लस वन से रिप्लेस करते हैं और लोअर लिमिट प्लस माइनस वन से रिप्लेस करते हैं। तो अपना अपना स्टाइल एक्चुअली, जो चीज आपको बेस्ट रिजल्ट दे, दिस इज वेरी प्रैक्टिकल, दिस इज वेरी एक्सपेरिमेंटल। जो आपको बढ़िया रिजल्ट दे रहा है आप वो चीजें ट्राई करना। ठीक है, तो दैट्स इट। आउटलायर रिमूवल में हम यही तीन टेक्निक्स पढ़ने वाले थे, हमने कवर कर लिया। और अब हम लोग ग्रेजुअली मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स फीचर सेलेक्शन। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।